मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप सबके सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि विगत 8 साल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चली और ये 8 सालों में कई सालों से लंबित हमारे 3 ऐसे क्षेत्र थे जो नासूर बने हुए थे, जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। एक कश्मीर की समस्या, एक वामपंथी उग्रवाद की समस्या और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में नारकोटिक्स और हथियारी ग्रुपों की समस्या। कई सालों से हम इसको देख रहे हैं। यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, उन्होंने जब सर्विस में ज्वाइन हुए तो तब भी ये समस्या सुनी होगी और रिटायर्ड हुए तब भी इसको टाटा कर निकले होंगे। ये बहुत पुरानी समस्या थी, मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं ये तीनों थिएटर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्यपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को एड्रेस करते हुए लगभग इस समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी बड़ी सफलता हालत करी। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुपों की बात हो, ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। धारा 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक नया उत्साह, उमंग, विकास की एक नए युग की शुरुआत हुई। आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियों का बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्ववाद दिखाई पड़ सकता है और वामपंथी उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य तो वामपंथी उग्रवाद से लगभग लगभग बाहर ही निकल गए। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसलिए आया है कि समस्या को उसका विश्लेषण कर समझकर, इसके उपायों की गहन चर्चा कर सातत्यपूर्ण तरीके से एक रणनीति के आधार पर काम हो।